भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। यह त्यौहार पुरातन काल से चला आ रहा है। आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किसने की? रक्षाबंधन मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है? रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा है माता लक्ष्मी और दैत्य राजबली की, जिसमें माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को संकट से उबारने के लिए दैत्य राजबली को राखी बांधी थी। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल दोस्तों, धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा बलि स्वर्ग को पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। भय के कारण दूसरे राजा अन्य देवताओं से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु ने एक ब्राह्मण अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। ब्राह्मण अवतार में होने के कारण दैत्य राजबलि उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। जब बलि ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए कहा तो ब्राह्मण भगवान ने उनसे 3 पग जमीन मांग ली। राजा के आ भरते ही भगवान ब्राह्मण ने अपना आकार बड़ा कर लिया। ब्राह्मण भगवान ने 1 पग में तो स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली और 3रा पग रखने के लिए जगह ही नहीं बची। अब बलि के सामने संकट की घड़ी आ चुकी थी। राजा बलि यह सब देखकर आश्चर्यजनक था। अगर बलि अपना वचन तोड़ता तो वह अधर्म होता। तो तभी बलि ने भगवान ब्राह्मण को अपने ऊपर 3रा पग रखने के लिए कहा। इसे देखकर भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने को कहा। तो फिर राजा बलि ने वरदान में विष्णु को ही मांग लिया और बोला, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दरवाजे पर दिन रात खड़े रहें। इसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए और काफ़ी दिनों तक भगवान विष्णु स्वर्ग लोक वापस नहीं गए। तब माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु की चिंता होने लगी। तब माँ लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा कि आपने भगवान विष्णु को कहीं देखा है? तब नारद जी ने माँ लक्ष्मी को सारी बातें बताई। सारी बातें जानने के बाद माँ लक्ष्मी ने नारद जी से भगवान विष्णु को वापस लाने की सलाह मांगी। फिर नारद जी ने कहा कि अगर आप राजा बलि को अपना भाई बना ले तो आप भगवान विष्णु को वापस ला सकती हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी अपना वेश बदलकर पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल लोक पहुंचकर माँ लक्ष्मी रोने लगी। राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को रोते हुए देखा तो उनसे उनके रोने का कारण पूछा। तो माँ लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भी भाई नहीं है, इसलिए वह रो रही है। माँ के ये वचन सुनकर राजा बलि ने कहा कि आप मेरी धर्म बहन बन जाओ। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया और राजा बलि की कलाई पर राखी बांध दी। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। इसके बाद से ही हर वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। और भी बहुत सी कथाएं हैं रक्षाबंधन से जुड़ी, लेकिन यहाँ से ही रक्षाबंधन त्यौहार की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।